आज कौमी काटर कमीशन दे चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा अहमदिया हेड क्वार्टर कादियां पहुंचे। इस मौके ते उन्हां अहमदिया जमात दे अधिकारियां नाल गलबात कीती। देखो कादियां तो सवारन सिंह दी विशेष रिपोर्ट। वेरका दा शुद्ध देसी घ्यो, दही पनीर आइसक्रीम अते नाल ही खाओ वेरका दी खीर। वेरका प्लांट गुरदासपुर। आज दी फेरी इस पवित्र शहर दे विच आके नतमस्तक होण दा एक मौका सी, क्योंकि ये ऐसा शहर है जिथे मुस्लिम हिंदू ते सिख भाईचारे दी इकट्ठे रहण दी ते मिलके रहण दी एक बड़ी बहुत वड्डी मिसाल हैगी। तो मौका दिता बाजवा साहब ने ते ML शर्मा साहब ने कि बच्चों नाल भी इंटरैक्ट किया जाए। तो बच्चे साड़ी आने वाला भविख है, उन्होंने अगे वधाउणा, उन्होंने सही राह पाउणा, वो साड़ी सब की जिम्मेवारी है। लालपुरा साहब गरेवाल साहब ने लैटर लिखा कोई जवाब दिता गया जी तुहाडे वल्लों? नहीं, उहदे च कोई लैटर तां उहनां दा इह दसण नूं सी कि SCPC जिहड़ी है वह 1920 बनी है, जो किसी भुलेखा नहीं है। तो दूजा उन्होंने ये कि साढ़े बजुर्गों ने कुरबानी दी है, वो भी कोई भुलेखा नहीं। तो असी तो कदम इस गल चैलेंज नहीं किया, बजुर्गों ने साड़िया ने भी कुरबानियाँ दतिया, गिरफ्तारियां दतिया, उन्होंने जख्मी भी हुए है। ये कोई सारे पंजाबियों ने सारे सिखा ने मिल के कुरबानियाँ दतिया। G20 देखो ये साढ़े लिए सब लिए माण की गल है। पहली बारी है कि G20 का जरा सरदारी है सिख वो सानू मिली है, तो असी एक लीडर होए हैं, वर्ल्ड लीडर उभरे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही क्रैडिट है। दूसरे देश की उम्मीद करना इस तो? देखो जो एक विकास एक अगे वधदा है तो सारा देश अगे वधदा, सारा संसार अगे वधदा। पहली बारी है कि यूक्रेन नाल भी साढ़े चंगे तलकात है, रशिया नाल भी साढ़े चंगे तलकात है। असी सारयां नूं सांझे मिल के सारयां दे अपने मसले जिहड़े आ गलबात राही हल होण, इस लई मोदी साहब हमेशा चिंतित रहिंदे आ और यतनशील रहिंदे आ। ते मोदी साहब दा इह विकास माडल सारी दुनिया 'च जावे, इहदे लई ओह उद्यम करनगे। श्रोमणी अकाली दल विरोधी धिर दे तौर ते इही कह रहे हैं कि लालपुरा साहब सिख होण दे नाते सिख धर्म की जी धार्मिक संस्था उसनों तोड़न लई RSS दे नाल मिले हुए। देखो मैं चेयरमैन है नैशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज़ का, तो इस करके उत्थे बैठा है कि मैं एक सिख हाँ, तो अपने धर्म के बच्चों वास्ते एजुकेशन, बल्कि सारे धर्मों के बच्चों मिनोरिटीज़ वास्ते एजुकेशन, इंप्लॉयमेंट और ये देखना कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेरी संविधानिक जिम्मेवारी हैगी है। तो मैं अपनी संविधानिक जिम्मेवारी निभाना चाहता, तो उसदे च किसी कोई राजनीति का कोई संबंध नहीं है। लालपुरा जी जिस जगह पर तुम बैठे हो हेडक्वार्टर है MDA जमात का और पूरा इंटरनेशनल जोड़ा है उत्थे यदि जी प्राप्ति है, सो इतों की खास करके जी इस मिनोरिटी की समस्या है बहुत बड़ी लंबी तो बड़ी देर तो है कि 17-17, 18-18 साल हो गए ने इन्हों की शादी को, पर इन्हे अजे तक नागरिकता जी इन्ह पत्नियां ने उन्होंने नहीं मिली। मिनोरिटी के आधार पर क्योंकि हुण तुहाड़े तो काफ़ी उम्मीदा ने कादियां की जी MDA जमात उन्होंने की करोगे? इन्होंने आप जी ने यह गल मेरे बार को पहली बारी पेश की है, ध्यान च लिया है, तो मसला ये टेकअप करांगे होम मिनिस्ट्री नाल। तो इन्हों असी तो सारे जिहड़े बंदे बाहरों आए हैं उन्होंने 5 साल बाद नागरिकता का फैसला किया, तो इन्हों भी नागरिकता मिलेगी, मेरे को लियाउण लिस्टा देंगे तो मैं टेकअप करांगा जी। जी मिनोरिटी है उन्होंने स्कॉलरशिप जी अक्सर हूँ जी फिर स्कॉलरशिप तो काफ़ी वांझे रखा जा रहा है, कुछ फर्क की तरह? नहीं, मिनोरिटीज़ को प्राइमरी तो लैके PhD तक स्कॉलरशिप दी जाती सी। ठीक है जी। हुण गवर्नमेंट की नवी पॉलिसी इस साल तो है कि राइट टू एजुकेशन दे विच प्राइमरी तो लैके मिडल तक एजुकेशन फ्री है। सो इस करके 8वीं तो उत्ते बच्चों नूं होर ज़्यादा मिलेगी, तो साड़ी तो फस्ट कम फस्ट सर्व है और जिहड़ा बंदा भी उत्थे रजिस्टर हुंदा है उहनूं 100% जी स्कॉलरशिप मिलती है। लालपुरा जी हर एक धार्मिक स्थान के जो हेडक्वार्टर होंगे ने जो मुख्य स्थान होंगे ने उन्होंने आस पास
सरकार अक्सर बहुत सुचजे प्रबंध कर दिया ने, अगर इतों की गल की जाए तो थोड़ी जी नाराजगी इन्हों की साफ सफाई को लैके, क्योंकि वैसे पुख्ता प्रबंध है नहीं। आप जी नहीं, ये गल भी मेरे ध्यान लिया है, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ना टेकअप करांगा कि ये टेकअप करांगे कि इतों की सफाई कराई जाए, और चीफ सैकटरी साहब ने इतों जाके एक चिट्ठी लिखा शामिल हो सकते जी, क्योंकि काफ़ी वधिया परिवारक संबंध ने तुहाडे वी उन्हां नाल शामिल हो सकते बीजेपी। बीबी जगीर कौर, मैं जो कपूरथले एस एस पी रहा उदो मिनिस्टर होंगे सके, मैं चार साल एस एस पी रहा, लॉन्गेस्ट सर्विंग एस एस पी हैं अज तक उस जिले का। डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर नाल भी मेरे अच्छे तलकात है, बीबी जगीर कौर नाल भी अच्छे तलकात है, सर रघवीर सिंह नाल भी अच्छे तलकात है, स्वर्णा राम जी नाल भी अच्छे तलकात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नू जरूरी हुंदा कि अपने सारे नाल अच्छे संबंध बना के रखे जा, लेकिन साढ़े परसनल कोई ऐसे संबंध नहीं है जिन्होंने। मैं तो उन्होंने तकरीबन 15 साल 2006 मिलिया, मेरी बेटी की शादी से उदो आए थे जलंधर, उस तो बाद मैं उन्होंने कदे नहीं मिलिया, तो बाकी कोई विरोध नहीं है। शामिल कराने की गल चाहती भी शामिल हो रही है बीजेपी नहीं, मैं तो तुम्हें दसा मेरे ना मैं 15 साल च नहीं मिलिया, ये सवाल तुम उन्होंने पूछो ना। हार्ट का और हार्ट बाईपास सर्जरी, उस तो बाद मैं 4 महीने हूं तक जो समा लंघिया, अज पांचवीं बारी पंजाब आया, मैं किसी नूं मिलिया ही नहीं। मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ इस संस्था का कि इन्होंने एक पुलिस अफसर के तौर पर एक लेखक के तौर पर मैंने श्रोमणी सिख साहित्यकार का अवार्ड न नवाजिया, ये बड़ी माण वाली गल हुंदी है। और मैं सिख धर्म को भी समर्पित है, इस वल भी समर्पित है कि एस जी पी सी मजबूत हो। हरजीत गरेवाल ते इकबाल सिंह लालपुरा हमेशा ही विवादत बयान भी देंदे रहे ने, सुर्खियां च भी रहिंदे ने, पर जे गल कीती जाए तो श्रोमणी अकाली दल केवल तो केवल इकबाल सिंह लालपुरा ही निशाना बनांदा। मैं उन्हों का धनवादी हाँ जी, वो मेरे को इन्ने डर गए कि मैं दिल्ली बैठा ही उन्होंने खतरा महसूस हो गया, तो जदों कोई समा सी बीजेपी मैं पंजाब का प्रधान बनाना चाहती सी, उदों यह भाईवाली सी, ये चाहते सी भी किसी सिख नूं प्रधान ना बनायो, तो ये साडा जे ये हो गया तो असी शायद तुहाडे नाल रह ना सकी। सो ऐसी स्थिति है, अकाली दल नूं डरना नहीं चाहिए, सिखां दी नुमाइंदगी करनी चाहिए है, पंजाबियों की नुमाइंदगी करनी चाहिए है, जेडे उन्होंने दोष लगते हैं उन्हों का वो जवाब देन भी वो दे सच की है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो खास करके मेरी जाति जरा तौर पर असी कदे भी एस सी पी सी दखलअंदाजी नहीं करा। साहब फिर जो सिख प्रधान बनाती तो विरोध किया तो अलग हो क्या हूँ सिख प्रधान लाओगे पंजाब साढ़े तो सारे की साझी पार्टी है करो का बाबा नामदेव जी का स्थान है जी घुमाण और अगे डेरा ब्यास है, एक लाइन का झंझट है, ये लाइन बड़ी देर तो हर एक की बड़ी वड्डी मंग है ये रेलवे लाइन, अगर तुसी कोई ऐसा तोहफा दे दियो इधर दे इलाके नू। तुसी बड़ी गल, मैनू बड़ी खुशी है कि जिन्ने मसले आ आप जी ने खड़े किए, तुसी चंगा होया ते इन्हां तो लिखा के ना मैनू दियो, हुणे दियो ईमेल लै लो भेज दियो ते मैं ए भी जरा ए टेक अप करा। लगता जी इन्होंने गल की थी सफाई दी, फैक्चुअल रिपोर्ट है कि अहमदिया हेडक्वार्टर इंटरनेशनल बिश्ती मकबरा नाल है, बाजवा साहब ने बहुत एफर्ट किया चलो पार्क बन गया, लेकिन अजय भी उत्थे गंदगी दे डंप ने, जो इंटरनेशनल लोग आते हैं इतने फोटो जाते बड़ा बुरा असर पड़ता है। मैं जी है ना गल मैं आप जी के नाल साझी की है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नाल टेक ओवर करांगा, ये लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने बेनती करा कि इतने की सफाई का स्पैशल ध्यान दे। गवर्नमेंट स्कूलों अवेयरनैस है लेकिन प्राइवेट स्कूलों बिल्कुल अवेयरनैस नहीं है, ये बारे किस तरह
मैं दोबारा सवाल सुनिए। मिनोरिटीज दे जेड़े स्कॉलरशिप पै संस्थावां नूं आंदे सर उहनूं डिले बहुत हुंदा है ओहदे च की गल है जिहड़ी आ मिनोरिटीज दीआं स्कॉलरशिप्स ने ओह 100% मिलदी है ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 15 ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਕਾਪਸਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਆਇਓ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਵੱਖੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦਾਂ ਕੋ ਬਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।